हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लर्निंग लाइसेंस या फिर किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से रीशेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके लाइसेंस का अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो गया है या फिर आगे आने वाले दिनों में एक्सपायर होने वाला है, आप अपने लाइसेंस का अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल करना चाहते हैं, किसी दूसरी डेट का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए परिवहन। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से ऑफिशियल आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। और अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आ रहा है, आपको स्टेट इस तरीके से ओपन होके आ रहा है, तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, किसी स्टेट से आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपके लाइसेंस का अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो गया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से बुक कर सकते हो। अगर लर्निंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट एक्सपायर हुआ है, तो एलएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। वहीं अगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट एक्सपायर हुआ है, उसका अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहते हो, तो इस पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपका रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस या नेम चेंज इस तरीके के लाइसेंस हैं, उनका अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहते हो, अगर उनका अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो गया है और उसका आप बुक करना चाहते हो, तो यहाँ पे डीएल सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके इजीली आप बुक कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका लाइसेंस का अपॉइंटमेंट आगे आने वाले दिनों में एक्सपायर होने वाला है, फ्यूचर में एक्सपायर होने वाला है, और उसका आप अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो जो पुराना अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल करना होगा। यानी कि जो आगे आने वाले दिनों में जो आपने अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है, तो वो अपॉइंटमेंट आपको कैंसिल करना होगा। अगर लर्निंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट है वो, तो इस पे क्लिक करके आप कैंसिल कर लीजिएगा। वहीं अगर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट है, तो कैंसिल डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे, टेस्ट स्लॉट पे क्लिक करके उसको आप कैंसिल कर लीजिएगा। वहीं अगर रिन्यूअल, एड्रेस चेंज, नाम चेंज, डुप्लीकेट इस तरीके के लाइसेंस का अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको आप कैंसिल कर लीजिएगा। और अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के बाद, चलो एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट। तो जैसे हम डीएल आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कैंसिल डीएल टेस्ट स्लॉट पे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, ये जो बॉक्स है इन पे क्लिक कर लीजिएगा और कैंसिल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे डेट दिख जाएगा कब का आपका अपॉइंटमेंट था ये, तो कैंसिल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यस पे क्लिक करते हैं। अब आपके मोबाइल पे एक सिक्योरिटी कोड चला गया, वो यहाँ पे डाले और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा एप्लीकेशन में कैंसिल डन सक्सेसफुली। अब हम अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। जो अपॉइंटमेंट है हमारा, वो कैंसिल हो चुका है। अपॉइंटमेंट यहाँ से भी आप बुक कर सकते हो, स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके, या जो मैंने आपको प्रीवियस प्रोसेस बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ पे डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इन दोनों बॉक्सों पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमारा दोनों व्हीकल का परमानेंट लाइसेंस है, तो इन बॉक्सों पर हम क्लिक कर लेते हैं और प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कैलेंडर में जो भी ग्रीन डेट है, उनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। जैसे जुलाई में 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो इनमें से किसी भी डेट का हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे 26 पे क्लिक करते हैं, जैसे 26 पे क्लिक करते हैं, तो राइट साइड में टाइम स्लॉट ओपन होके आ जाता है।
तो किस टाइम के बीच आपको अपॉइंटमेंट चाहिए वो टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। 10 to 12 के बीच चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए, 12:30 to 2:30 वाला चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, 3 to 5 वाला चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे 12:30 to 2:30 वाला चाहिए तो इस सर्कल पे हमने क्लिक कर दिया है, और उसके बाद बुक स्लॉट पे अब क्लिक करते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो बाद जो मोबाइल है उस पे आपके पास एक सिक्योरिटी कोड चला गया है जो एप्लीकेशन से लिंक है, तो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिएगा। तो बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल सकते हो, सेव इसको करना चाहते हो सेव आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लर्निंग लाइसेंस का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे उसके बाद कैलेंडर ओपन होकर आ जाएगा। जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उस डेट पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रोसीड करोगे तो OTP आपके नंबर पे चला जाएगा, OTP डालिएगा और उसके बाद अपॉइंटमेंट आपको बुक हो जाएगा। और अगर आप अदर लाइसेंस का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, या जो प्रीवियस मैंने आपको तरीका बताया उससे भी आप कर सकते हो, जैसे रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, तो उनके लिए LL/TL स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप लर्निंग लाइसेंस या फिर किसी भी लाइसेंस का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन किस तरीके से रिशेड्यूल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगा आपको सबसे पहले। दोस्तों लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे लाइसेंस आप डालोगे तो चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और भी लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको दिख जाएगी। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और कैटेगरी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमने ऐड कर रखी है चैनल पे, और इनमें काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।